फिकर ये है, फिकर यही है कि हमारे जो नौजवान हैं और जो अच्छे मदारिस में अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ने की ताकत नहीं है फाइनेंशियली, मेजर रीज़न फाइनेंसेस की वजह से। तो हमारे पास 100-125 सीट्स है जो प्योरली डिज़र्व करते हैं ऐसे ख़ानदानों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ब्राइट हैं मगर वसाइल मौजूद नहीं है, तो उनके लिए दोनों हाथ खुले हैं हमारे। एग्ज़ाम लें, हाई सेट का जो एग्ज़ाम आज रिलीज़ हुआ, हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता उसके अंदर अपियर हो, एग्ज़ाम लिखे प्योर ऑन मेरिट बेसिस, और जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है ट्रस्ट के सिलेक्शन के उसके ऊपर बगैर किसी के इंटरफेरेंस के इंशाल्लाह ही रीच द कैंपस। ऑनलाइन है ये एग्ज़ाम, ऑनलाइन है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टर आपके हाथ में है, आपके सामने लिंक है, ऐप आपका टेलीफोन से, लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से, किसी भी चीज़ से आप हमारे एग्ज़ाम लिखिए। यू डोंट नीड एनी इंटरेक्शन, कोई इंसान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत। एग्ज़ाम लिखिए, मेरिट बेसिस पे आप अपियर होंगे, मेरिट रैंक लाएंगे तो हम आपके पीछे फिरेंगे और आपको पकड़ के लेके आएंगे। 2 साल चाहिए हमको, नौजवानों के 2 साल चाहिए, वो 2 साल में वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन इंसान बनेंगे, खुद के लिए, ख़ानदान के लिए, गाँव के लिए, अल्टीमेटली नाम रोशन करेंगे। जैसा बताया आप लोगों ने कि टैलेंट जो बच्चों में हो है वो टैलेंट जाया ना जाए कंट्री का और मिलत का, ये हमारा नज़रिया है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो जो टैलेंट से जो है उनके पहुंच सकते हैं जहां पर वो वहां पर पहुंचे इंशाल्लाह। थैंक यू। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में दाखिला हासिल करने के लिए हर साल यहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जल्द से जल्द फिर इस साल के लिए भी होने वाला है, 2023 एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट होता है उसके लिए। मैं जितने भी हमारे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, चाहे वो तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो, रायलसीमा हो, इनसे इनको यही मशवरा देना चाहता हूं कि आप इनका जो सिलेक्शन इम्तहान होता है उसमें उसको लिखना ज़रूरी है, अच्छी तरह से तैयारी करना है, लिखना है। अगर एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो गए और सीट हासिल कर लिया यहाँ पर, तो आपका मुस्तकबिल, आपकी फ्यूचर जो है बहुत ही सुनहरा रहने वाला है, आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बहुत ही ये मददगार साबित होगा, और साथ ही साथ कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, HIA का एक ही एक है, कमज़ोर लड़के जो हैं, कमज़ोर यानी कि नॉट एकेडमिकली नहीं हैं, पढ़ने लिखने के मामले में अच्छे तेज बच्चे, मगर खरियों में रह जाते हैं, ये अजलाओं में रहते हैं, या बहुत माशी तौर पर बहुत कमज़ोर तबके से आते हैं, इनके लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाना, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में रहना पढ़ना बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो होनहार हैं, जिनमें अच्छा टैलेंट है, जिसमें डिसिप्लिन है और मेहनत करने का जो एक जज्बा है, ये सब हैं इन बच्चों के लिए है। और ये बच्चे इम्तिहान लिख के कामयाब हुए, यहाँ पर आए, तो सिर्फ इनको पढ़ने लिखने, इल्म तामील तालीम के मामले में नहीं है, इनकी सारी पर्सनालिटी निखरती है इधर, और अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ हैं, जो इनका न्यूट्रिशन जो होता है बहुत अच्छा होता है इधर, अच्छा डिसिप्लिन के साथ इनको पढ़ाया जाता है, बहुत ही माहिर हैं यहाँ के टीचर्स हो या लेक्चरर्स, और एक माहौल जो बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पीयर ग्रुप जो बोलते हैं हम लोग, सर अपने आप को हौसला अफजाई कर लेते हुए जिस तरह से ये स्टूडेंट्स एक को एक सपोर्ट कर लेते हैं, ये भी काबिले तारीफ़ है। ऐसे माहौल में पढ़ने से बच्चे अच्छा पढ़ के आगे निकलते हैं, और इनका मुस्तकबिल अच्छा बनता है, और फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ही ये सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं।